लोग आज पढ़ेंगे डिफरेंसिंग रिएक्टिविटी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन अल्काइल हैलाइड एंड हैलाइल हैलाइड, ठीक है ना। तो ये हो गया अल्काइल हैलाइड और ये हो गया हमारा हैलाइल हैलाइड, यही है ना कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, दोनों में रिएक्टिविटी में डिफरेंस है, ठीक है। ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेस रिएक्टिव है, मच लेस रिएक्टिव है, और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। उसका रीज़न क्या है? सबसे पहला रीजन उसी लिए लिखे हैं, हैलाइड हैलाइड्स आर मच लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देन दैट ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स में जितना अच्छे से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, उतने अच्छे ढंग से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एराइल हैलाइड में नहीं होता है। इसका पहला रीज़न क्या है कि इसमें जो है डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है ड्यू टू रेजोनेंस। इसमें क्या आ जाता है? डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा कि बॉन्ड जो है शॉर्टर हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा इसके कंपैरिजन में, ठीक है। और शॉर्टर बॉन्ड लेंथ को ब्रेक करना आसान नहीं होता, इसलिए बॉन्ड ब्रेक करने में डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा ड्यू टू रेजोनेंस, है ना। रेजोनेंस के चलते इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, ठीक है। तो इसका जो पहला रीजन क्या होगा, जो फर्स्ट रीजन ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, ठीक है, एंड विड्रॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय बेंजीन रिंग एंड रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, ठीक है। दूसरा क्या होगा? रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, ठीक है, आया समझ में। तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन से, रेजोनेंस में हम इस चीज को पढ़ाए, जैसे ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पर ये हेलोरिन है ना, तो इस पर क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है और लोन पेयर है, दोनों का कॉन्जुगेशन है। इधर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, इधर भी कॉन्जुगेशन है, इसलिए रेजोनेंस तो होगा ही, ठीक है, रेजोनेंस होगा ही। दूसरा, बेंजीन का आदत है इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने, बेंजीन की क्या आदत है अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचना, तो कॉन्जुगेशन भी है और इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग का आदत है अपने तरफ खींचना, इसीलिए हो रहा है ड्यू टू द विड्रॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय बेंजीन रिंग। इस इलेक्ट्रॉन को ऐसे खींच लिया और इसको रेजोनेंस फिर जो है सपोर्ट कर दिया, तो डबल हो गया, एक तो इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचा बेंजीन रिंग अपने तरफ, उसके बाद कॉन्जुगेशन होने के चलते रेजोनेंस हो गया, जिसके चलते ज़्यादा स्टेबल हो गया, डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी आ गया, आया बसन में, और जिसके कारण जो ये बॉन्ड तोड़ना मुश्किल होता है, ठीक है। तो देखो क्या होता है, अब ये जो ये जब यहाँ आएगा तो ये डबल बॉन्ड अगल बगल नहीं रहेगा ना, रिपल्सन हो जाएगा ना, इसलिए ये पुश हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाए, यहाँ पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, अब दो लोन पेयर रहा और एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। फिर क्या होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर जो है ये जो है
यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड यहाँ हो जाती है, जो डबल बॉन्ड है अगल बगल हो जाती है जो है, तो शिफ्ट हो जाएगा यहाँ, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, फिर थ्री लोन पेयर आ जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड। ठीक है, अब देखो डबल बॉन्ड दो दो जगह है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है कार्बन हैलोजन में, यहाँ भी डबल बॉन्ड है कार्बन हैलोजन में, कार्बन हैलोजन के बीच में डबल बॉन्ड यहाँ भी है, कार्बन हैलोजन में डबल बॉन्ड यहाँ भी है, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने के चलते क्या हो जाएगा? हाँ, मजबूत हो जाएगा ना, बॉन्ड लेंथ जो है कम हो जाएगा। ये जो डबल बॉन्ड है ना, इसमें जो डबल बॉन्ड, जैसे ये वाला बॉन्ड लेंथ है, ये बॉन्ड लेंथ है 1.71 पिकोफैरड, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने का फिर सब मर्ज होगा, है ना, एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा, ये सबका रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा क्या? रेजोनेंस हाइब्रिड बन गया ना। अब ये जो है ये हो गया 1.69 पिको बॉन्ड लेंथ घट, सिंगल बॉन्ड है 1.71 पिकोमीटर, डबल बॉन्ड होने के बाद हो गया 1.69 पिकोमीटर, ठीक है, 1.77 पिकोमीटर, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, 1.77 पिकोमीटर एंगस्ट्रॉम, 1.77 एंगस्ट्रॉम, ये हो गया 1.69 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है ना, तो कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा रेजोनेंस हाइब्रिड होने के बाद? हाँ, रेजोनेंस हाइब्रिड होने के बाद ये ना ज़्यादा स्टेबल हो गया, बॉन्ड लेंथ भी कम हो गया और डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी आ गया, बॉन्ड लेंथ शॉर्टर हो गया तो उसको डिफिकल्ट होता है ब्रेक करना, और ठीक है ना, और उसके बाद जो है दूसरा डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो उसको भी ब्रेक करना डिफिकल्ट होगा, इसलिए क्या हो गया कि हेलोहरिन में जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है वो कम रिएक्टिव हो गया, तो उसको ब्रेक आसानी से नहीं कर सकते, ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, क्लियर। अब जो है दूसरा चीज देख सकते हैं कि दोनों का जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो भी डिफरेंट है। पहला रीजन तो ये हो गया, समझ में आ गया ये। अब जो दूसरा रीजन है डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन स्टेज, डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन स्टेज ऑफ कार्बन एटम। अब इसमें क्या है, जैसे ये हो गया, मान लो ये मिथाइल क्लोराइड ये, ठीक है ना, तो ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और ये हमने बेंजीन रिंग ले लिया, तो ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना, 1, 2, 3 सिंगल बॉन्ड है, यहाँ 1, 2, 3, 4 सिंगल बॉन्ड है, तो sp3 तीन सिंगल बॉन्ड होगा, क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, है ना, ये जो sp3 है ना इसका साइज बड़ा होता है, बिगर इन साइज, क्योंकि इसमें s का कैरेक्टर, p का कैरेक्टर ज़्यादा है, ये होता है sp2 स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर इन साइज, sp2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है
sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बिगर इन साइज होता है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बिगर इन साइज होता है, और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है स्मॉलर इन साइज होता है। तो जब ऑर्बिटल का साइज छोटा होगा तो बॉन्ड लेंथ भी छोटा होगा, तो ये भी कंफर्म करता है कि बॉन्ड लेंथ छोटा है। और ये sp3 है तो इसका ऑर्बिटल साइज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बड़ा होता है, तो जब ऑर्बिटल बड़ा होगा तो बॉन्ड लेंथ भी बड़ा होगा, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा तो ब्रेक करना इसको आसान हो जाएगा, इसके बॉन्ड को ब्रेक करना आसान नहीं होगा। दूसरा चीज़ क्या होगा कि इसमें s का कैरेक्टर 25% है, इसमें s का कैरेक्टर 33%, ठीक है। इसमें जो है sp3 में s का कैरेक्टर कितना है 25%, और sp2 में s का कैरेक्टर कितना है 33%। और जितना ज़्यादा s का कैरेक्टर होता है, s ऑर्बिटल का कैरेक्टर हाइब्रिड ऑर्बिटल में, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। तो इस कार्बन के मुकाबले इस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो यहाँ इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम है ना, Cl Cl, कार्बन का इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हुआ, ये कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, ये कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कार्बन और क्लोरीन के बीच में, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगा क्लोरीन के तरफ, क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन के कॉम्पेरिजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ ज़्यादा हो गया। कार्बन तो है ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से, उसके अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा हो गया कार्बन और क्लोरीन का यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एस कैरेक्टर 25% है, तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। यहाँ पर एस का कैरेक्टर जो है 33% है, इस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम ना हो गया, क्योंकि ये भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, ये तो है ही ज़्यादा, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा हो गया। तो जब दो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला आपस में इंट्रैक्ट करेगा तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, आयनिक कैरेक्टर कम होगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक तरफ ज़्यादा शिफ्ट नहीं होगा, ठीक है। और आयनिक कैरेक्टर जितना ज़्यादा होता है वो बॉन्ड टूटने का चांसेस ज़्यादा होता है, आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है तो बॉन्ड टूटने का चांस ज़्यादा होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर आता है तो टूटने का चांस कम रहता है, क्योंकि वो प्लास्टिक का कैरेक्टर होता है, इलास्टिक होता है ना कोवेलेंट बॉन्ड, और आयनिक क्या होता है ब्रिटल होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है ब्रिटल होता है, हार्ड होता है बट हार्ड बट ब्रिटल, और कोवेलेंट बॉन्ड क्या है इलास्टिक बॉन्ड है ना, सॉफ्ट होता है लेकिन स्ट्रॉन्ग होता है, आया बात समझ में। तो इसमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, पोलैरिटी ज़्यादा हो जाएगा कार्बन और क्लोरीन के बीच में, यहाँ पर कार्बन और क्लोरीन के बीच में पोलैरिटी कम होगा, तो यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर यहाँ ज़्यादा होगा, इसलिए उसको ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए रिएक्टिविटी कम हो गया इसका, और इसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा हो गया, पोलैरिटी जो ज़्यादा हो गया क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कार्बन और क्लोरीन के बीच में यहाँ पर ज़्यादा है, आया समझ में। इसीलिए यह ज़्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि आयनिक कैरेक्टर जिसमें ज़्यादा रहता है वो जल्दी ब्रेक करता है, जल्दी ब्रेक करेगा, जल्दी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, समझ में आ गया। तो तीन का चीज़ हो गया, डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन के चलते हो गया, शॉर्टर बॉन्ड लेंथ हो गया यहाँ पर, है ना, और उसके बाद जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के चलते जो है पोलैरिटी इसमें ज़्यादा हो गया। तो तीसरा क्या हो गया, पोलैरिटी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो तीसरा जो हम बताएं क्या होता है, पोलैरिटी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इस ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा पोलार है और ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कम पोलार है, जो ज़्यादा पोलार होता है जल्दी ब्रेक होता है, ठीक है, इसलिए रिएक्टिविटी इसका ज़्यादा होगा। तो जब भी पूछेगा एराइल हैलाइड्स आर मच लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तब यही तीनों जो है तुमको बताना होगा रीजन, ठीक है, समझ में आ गया हैं। और इसी तरह से जो है एक और एक्सप्लेन कर सकते हो, और एक जो है
नेक्स्ट है विनाइल हैलाइड्स आर मच लेस रिएक्टिव देन हैलाइल और अल्काइल हैलाइड्स, जो तीनों रीजन हम वहाँ पर दिए थे, यहाँ भी वही तीनों रीजन अप्लाई होगा। अभी जस्ट एक्सप्लेन किया था ना, एराइल हैलाइड्स आर मच लेस रिएक्टिव देन अल्काइल हैलाइड, तो सेम रीजन यहाँ भी अप्लाई होगा। ठीक है, ये विनाइल हैलाइड का एग्जाम्पल है, एलाइल हैलाइड का एग्जाम्पल है, अल्काइल हैलाइड का एग्जाम्पल है। दिस इज योर अल्काइल हैलाइड्स, है ना, इसमें कोई डबल बॉन्ड है ही नहीं, अल्काइल हैलाइड्स है। ये है एलाइल हैलाइड्स, डबल बॉन्ड कार्बन के नेक्स्ट कार्बन से जब हेलोजन जुड़ता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एलाइल हैलाइड्स। डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन से जब हेलोजन जुड़ता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एलाइल हैलाइड्स। ठीक है, और डबल बॉन्ड कार्बन से ही अगर हेलोजन जुड़ गया तो उसको हम लोग बोलते हैं विनाइल हैलाइड्स, है ना, विनाइल हैलाइड्स। विनाइल मतलब क्या हो गया, ये पड़ोसी हो गया, ये दोनों पड़ोसी हो गया, यहाँ पर पड़ोसी नहीं है, ये पड़ोसी का पड़ोसी है, हाँ समझ गया ना। तो ये इस तरह से हमको पहचानेंगे। अब देखो कि इसमें ये जो लोन पेयर है इसके साथ कॉन्जुगेशन नहीं है ना, यहाँ पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड है ना, यहाँ भी कॉन्जुगेशन नहीं है, यहाँ पर क्या है कॉन्जुगेशन है। जैसे ही इसको हम यहाँ शिफ्ट करेंगे ये इधर से तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा ना। दूसरा हाइब्रिडाइजेशन भी डिफरेंट है, ये दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है कि नहीं, और ये क्या है sp कितना, 1 2 3 sp2 है ये, तो sp2 वाला क्या होता है, कम रिएक्टिव होता है। अभी बताया था ना तीनों रीजन, वही तीनों रीजन यहाँ पर, इसमें रेजोनेंस होगा, उस दोनों में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं है, उस दोनों में कोई रेजोनेंस नहीं है, और ये इसमें रेजोनेंस होगा क्योंकि ये इधर शिफ्ट होगा, फिर ये यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा कि नहीं, हाँ इस पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, और इस पर जो है पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ कि नहीं, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया कार्बन हैलोजन बॉन्ड में, कार्बन हैलोजन बॉन्ड में डबल बॉन्ड आया कि नहीं, तो ये कार्बन हैलोजन बॉन्ड से ज़्यादा मजबूत हुआ कि नहीं, इस कार्बन हैलोजन बॉन्ड से ज़्यादा मजबूत हुआ कि नहीं, ये दोनों में सिंगल है बॉन्ड है ना, और इसमें कार्बन हैलोजन के बीच में डबल बॉन्ड भी आ गया तो बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होगा। तो उसके बाद है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये दोनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है यहाँ पर कम हो गया क्योंकि ये कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस दोनों के कंपैरिजन में। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता है तो क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होता है उसमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है, तो इस दोनों में आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, जल्दी टूटेगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, और इसके कार्बन हैलोजन बॉन्ड मजबूत भी हो गया है, और ऊपर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने के चलते कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा आ गया है, तो टूटेगा नहीं जल्दी, आया बस समझ में, आयनाइज होगा नहीं तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगा। तो जो तीनों रीजन हम बताए थे अभी एराइल हैलाइड के केस में, वही तीनों रीजन हमको विनाइल हैलाइड के केस में भी देना। तो विनाइल हैलाइड क्या है, इस दोनों से भी कम रिएक्टिव है, समझ गया ना, हाँ क्लियर, आया बस समझ में। तो ये वाला क्वेश्चन पूछे या इसके पीछे वाला क्वेश्चन पूछे, दोनों का रीजन सेम है, तो इसी तरह से लेकर के दिखा देना है। इसमें ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो गया है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी कम है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो ये सारा फैक्टर जो है फेवर करता है ये कम रिएक्टिव हो। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर।